हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपके सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के बारे में, जो आपका M31S का ही एक सक्सेसर है। आपको बता दें, इसका जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वह बिल्कुल M31S की तरह ही है। और दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन भी M31S की तरह है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्प्ले और बैटरी और इसका प्रोसेसर। तो दोस्तों, उसको हम बताएंगे, जो आपको M31S से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए कैमरा की, तो दोस्तों स्मार्ट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। आपको पंच और डिस्प्ले के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा सेटअप आपका रियर कैमरा होगा दोस्तों, क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपका 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। और मैक्रो कैमरा की बात की जाए तो आपको 5 मेगापिक्सल का, और टाई फैन लेंस की बात की जाए तो वह 5 मेगापिक्सल का होगा। और इसी में आपका LED फ्लैश मिलेगा। और कैमरा के जस्ट नीचे बीच में दोस्तों, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात की जाए नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आपको सैमसंग का लोगो देखने को मिलेगा। दाएं साइड बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेगा। पावर ऑफ बटन उसके जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका बाएं साइड दोस्तों, वहाँ पर सिम स्लॉट और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा। नीचे की ओर आपको टाइप सी USB पोर्ट का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और सबसे हाईलाइट वाली बात इसकी यह है कि दोस्तों, इसमें 7000 mAh की बैटरी दी गई है, जो आपके कंपेरिजन की जाए दोस्तों M31S से, तो दोस्तों उसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई थी, जो आपकी जो 7000 mAh की जो M51 में आपकी बैटरी दी गई है, वह आपकी 1000 mAh ज़्यादा है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा करता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बात की जाए इसके फास्ट चार्जिंग की, तो दोस्तों 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें दिया गया है। साथ में अगर बात की जाए नीचे की ओर दोस्तों, आपको एक हेडफोन जैक मिलेगा। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात बता दें दोस्तों, इसके वह दोस्तों इसकी डिस्प्ले दोस्तों, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वह आपको मिलेगी 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को यहाँ पर मिलेगी। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों आपको ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन 730G का यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेहतर है आप एस की तरह एस से। तो दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इन तीन चीज़ों में यह काफ़ी अच्छा करता नज़र आ रहा है। एक तो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी है M31S से, इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है M31S से, और इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें फास्ट USB पोर्ट का सपोर्ट भी दिया गया है दोस्तों। तो यह भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके अदर फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें यह स्मार्टफोन आपका जो है दोस्तों, वह एंड्रॉयड 10 पर वन UI सॉफ्टवेयर पर एंड्रॉयड 10 पर रन करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। और यह दो कलर वेरिएंट में आएगा, वह है दोस्तों ब्लैक और वाइट, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए, तो दोस्तों अगर रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि दोस्तों इसकी जो भारत में प्राइस होने वाली है, वह 25,000 से लेकर 30,000 होने वाली है। यह आपका 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट में आएगा, जिसको आप 512GB तक एक्सपांड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड की सहायता से। अगर दोस्तों प्राइस कंपैरिजन करे जाए दोस्तों, तो आपको बता दें यह M31S से आपका 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा का यह इसका प्राइस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आपकी, जैसे डिस्प्ले को इम्प्रूव किया गया है, बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको 1000 mAh ज़्यादा मिलेगी, सॉफ्टवेयर भी आपको, जो आपका प्रोसेसर है वह भी आपका दमदार दिया गया है। और आपको यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर ये आपका USB पोर्ट का सपोर्ट, जो आपको M31S में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इन तीन चीज़ों के आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं अगर आप इसे स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर M31S की प्राइस की बात की जाए, तो दोस्तों इसके इसी 6GB और 128GB के वेरिएंट का प्राइस है 19,500 रुपये, और यहाँ पर इसका जो M51 का प्राइस होने वाला है, वह 25,000 रुपये से या इससे ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में टिक पाएगा कि नहीं, आप हमें बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।